हेलो एवरीवन, आई एम सोनी सिंह। वेलकम टू एआईओ कंप्यूटर जॉन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सीखोगे कोरेल ड्रॉ में कुछ इस तरह का बर्थडे बैनर डिज़ाइन क्रिएट करना। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस इमेज को साइड रखती हूँ। तो किसी भी बैनर को डिज़ाइन करने से पहले हमें सबसे पहले उसकी साइज लेनी होती है। तो आपको साइज ले लेना है इंचेस में 6x6। ओके, हमारा जो पेज का साइज है वो 6x6 है इंचेस में। अब उसके बाद मैं इस पेज के ऊपर एक रिक्टेंगल ड्रॉ करूँगी। उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो रिक्टेंगल टूल है इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक इस पेज के ऊपर एक रिक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। अब उसके बाद आपको बैकग्राउंड इमेज डाउनलोड कर लेना है। उसके लिए आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा। देन आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है ग्रेडियंट ग्रेडियंट बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से। ओके, देन एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपको इस इमेजेस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और जो भी बैकग्राउंड आपको पसंद है आप उसे सेव कर लीजिए। मैं इस इमेज को सेव कर लेती हूँ। सेव करने के लिए सिंपली आपको इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करना है, देन सेव इमेज एज इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और आप यहाँ से लोकेशन दे दें कहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं। तो मैं पिक्चर्स में ही सेव कर लेती हूँ। अब उसके बाद मैं कोरेल ड्रॉ ओपन करूँगी, देन उस बैकग्राउंड को मैं यहाँ पर इम्पोर्ट करूँगी। उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है, देन इस इम्पोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद मैं इसे सेलेक्ट करूँगी और इसकी साइज मैं इंक्रीज कर देती हूँ। कुछ इस तरीके से इसकी साइज मैं इंक्रीज करूँगी। शिफ्ट के साथ F4 प्रेस करूँगी साइज। अब आपको क्या करना है, इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करना है, देन पावर क्लिक इनसाइड इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एरो आ जाएगा। अब आपको इस रिक्टेंगल के अंदर जाते हुए माउस का लेफ्ट बटन एक बार क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। तो सिंपली आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कंटेंट्स। ओके, इससे क्या होगा, ये कंटेंट सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसकी साइज आप अपने अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं और इसे मैं प्रॉपर कुछ इस तरीके से इधर सेट करूँगी। अब यह सेट हो चुका है। अब उसके बाद आपको फिर से क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओके, अब यहाँ पे मैं सर्च करूँगी ग्रास PNG, कुछ नेचुरल लुक मैं देना चाहती हूँ अपने बैनर में। तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगी ग्रास PNG। ओके, देन एंटर प्रेस करूँगी। फिर से मैं इस इमेजेस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगी और जो भी आपको यहाँ से इमेज पसंद है आप उसे सेव कर लें। तो मैं इस इमेज को सेव कर लेती हूँ। राइट क्लिक करूँगी, सेव इमेज एज इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगी और इसे मैं पिक्चर्स में ही सेव कर लेती हूँ। अब उसके बाद फिर से मैं कोरेल ड्रॉ ओपन करूँगी, राइट क्लिक करूँगी, इम्पोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगी और इस इमेज को मैं इम्पोर्ट करूँगी। पिक्चर्स में था ये, लेकिन इसका बैकग्राउंड मुझे रिमूव करना पड़ेगा, इसके पीछे बैकग्राउंड है तो मैं रिमूव करूँगी। फिर से मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करूँगी, न्यू टैब, यहाँ पर आपको सर्च करना है remove.bg। ओके, remove.bg कुछ इस तरीके से। ओके, remove.bg, देन एंटर प्रेस करना है। अब उसके बाद आपको ये जो अपलोड इमेज है इस इमेज के ऊपर क्लिक करना है। जिस इमेज का आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं उस इमेज को आप सिलेक्ट कर लें, देन थोड़ी देर आपको वेट करना है एंड उसके बाद सिंपली आपको इस डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये इमेज डाउनलोड हो जाएगा। इस इमेज के मैं ऊपर मैं क्लिक करूँगी और इसे सेव कर लूँगी। 3 डॉट के ऊपर क्लिक करूँगी, देन सेव एज, मैं इसे पिक्चर्स में ही सेव कर लेती हूँ। अब उसके बाद फिर से मैं कोरेल ड्रॉ ओपन करूँगी और इस इमेज को इम्पोर्ट करूँगी। राइट क्लिक करूँगी, देन इम्पोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगी। अब मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूँगी यहाँ से और इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर लाऊंगी, साइज थोड़ा और इंक्रीज करूँगी। इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करूँगी, देन पावर क्लिक इनसाइड, अब एरो आ जाएगा। अब आपको इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना है, जैसे ये कुछ इस तरीके से सेट हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद
आपको कुछ बर्थडे रिलेटेड पीएनजी इमेजेस डाउनलोड कर लेना है क्रोम ब्राउज़र की हेल्प से ही। तो मैंने ऑलरेडी कुछ इमेजेस डाउनलोड करके रखा है, मैं इन सभी इमेजेस को यहाँ पर इंपोर्ट करती हूँ। राइट क्लिक करूँगी, इंपोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगी और पिक्चर्स में जाऊँगी, इसे इंपोर्ट करूँगी कुछ इस तरीके से। अगेन राइट क्लिक करूँगी, इंपोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगी और पिक्चर्स में जाऊँगी। इन दोनों इमेजेस को भी मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेती हूँ कुछ इस तरीके से। अब उसके बाद मैं क्या करूँगी, सिंपली इस इमेज को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर लाऊँगी, इसकी साइज कुछ इस तरीके से इंक्रीज करूँगी, थोड़ा और इंक्रीज कर लेती हूँ, ये सही है। अब उसके बाद आपको रिक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लेना है और कुछ इस तरीके से एक रिक्टेंगल यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। देन आपको सैप टूल को सिलेक्ट करना है और इसे थोड़ा राउंडेड करना है, किसी एक पॉइंट को पकड़कर आपको कुछ इस तरीके से थोड़ा राउंडेड कर लेना है। ओके, एक बार और इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगी और इसे थोड़ा रोटेट करूँगी। अब इसी का डुप्लीकेट कॉपी मैं यहाँ पर लाते हुए कुछ इस तरीके से करूँगी, यहाँ पर लाते हुए कुछ इस तरीके से करूँगी, इन तीनों को मैं सिलेक्ट करूँगी और इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर लाऊंगी। अब उसके बाद क्या करना है, इन सभी इमेजेस को मैं इन सभी रिक्टेंगल्स में इंपोर्ट करूँगी। आपको इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करना है, देन इंपोर्ट पावर क्लिक इनसाइड इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और कुछ इस तरीके से एक बार इसके ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ से ये जो सिलेक्ट कंटेंट है इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, साइज इंक्रीज करना है कुछ इस तरीके से, आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी साइज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करना है, पावर क्लिक इनसाइड, सेम इसी प्रोसेस को आपको करना है। अब इसके ऊपर मैं एक बार लेफ्ट क्लिक करूँगी, सिलेक्ट कंटेंट, साइज थोड़ा डिक्रीज करूँगी, थोड़ा और डिक्रीज करूँगी, एंड उसके बाद इस इमेज के ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगी, पावर क्लिक इनसाइड, सेलेक्ट कंटेंट, साइज इसकी भी मैं इंक्रीज कर लेती हूँ, कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद अब मैं इस रिक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगी, इसमें कलर फिल करूँगी। आपको क्या करना है, कीबोर्ड में F11 प्रेस करना है जिससे आपके सामने एडिट फिल का एक विंडो ओपन होगा। अब उसके बाद आपको कलर व्यूअर्स इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से मैं थोड़ा डार्क सेट सिलेक्ट करूँगी, ये सही है। देन आपको ये जो यहाँ पर ऑप्शन है फॉन्टेंट फिल, इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से इलिप्टिकल फॉन्टेड फिल इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, देन सिंपली इस ओके वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब इस रिक्टेंगल को सिलेक्ट करना है आपको और कीबोर्ड में सिंपली कंट्रोल आर प्रेस करना है जिससे ये रिपीट हो जाएगा। इस रिक्टेंगल को भी आपको सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड में कंट्रोल आर प्रेस करते हुए इसे रिपीट कर देना है। अब इसकी आउटलाइन की जो साइज है वो मैं यहाँ से 3 PT कर लेती हूँ और कलर ऑरेंज करूँगी। इस रिक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगी, कंट्रोल आर प्रेस करूँगी, रिपीट हो जाएगा लेकिन कलर ही बस हुआ, और इसकी जो आउटलाइन है वो भी मैं 3 PT करती हूँ, कंट्रोल आर और यहाँ से कलर ऑरेंज कुछ इस तरीके से इसे सेट करूँगी। इसे थोड़ा और इधर लाती हूँ, कुछ इस तरीके से मैं इसे प्रॉपर ही सेट कर लेती हूँ सभी इमेजेस को। इसे थोड़ा यहाँ पर लाते हुए इन सभी को सिलेक्ट करूँगी थोड़ा ऊपर, अब सही है। अब उसके बाद आपको क्रोम ब्राउज़र की हेल्प से कुछ बर्थडे इमेजेस डाउनलोड कर लेना है। ओके, तो मैंने कुछ डाउनलोड करके रखा है, जब आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करोगे देन यहाँ पर सर्च करोगे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे PNG, तो बहुत सारे इमेजेस आपके सामने आ जाएंगे जब आप इमेजेस में जाओगे तो। अब जो भी इमेजेस आप अपने बैनर में इंसर्ट करना चाहते हो आपको उस इमेजेस को सेव कर लेना है। ओके, तो मैंने ऑलरेडी कुछ इमेजेस डाउनलोड एंड सेव करके रखा है, तो मैं इसे कोरल ड्रॉ में इम्पोर्ट कर लेती हूँ। इम्पोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगी, देन पिक्चर्स में जाऊँगी, मैं कुछ कुछ इमेजेस को इसे
यहाँ पर इम्पोर्ट करूँगी। तो इसका तो जो बैकग्राउंड है वो रिमूव नहीं है, मुझे रिमूव करना पड़ेगा। पिक्चर्स में जाऊँगी, इस इमेज को मैं सिलेक्ट करूँगी, इसे सिलेक्ट करूँगी, इसे सिलेक्ट करूँगी, इसे सिलेक्ट करूँगी और इम्पोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूँगी और कुछ इस तरीके से इन सभी को मैं यहाँ पर इम्पोर्ट करूँगी। अब उसके बाद इस इमेज को मैं सिलेक्ट करूँगी, यहाँ पर इसे थोड़ा राउंडेड करूँगी कुछ इस तरीके से और यहाँ पर सेट करूँगी। साइज थोड़ा और मैं डिक्रीज कर देती हूँ। इसी का डुप्लीकेट कॉपी मैं यहाँ पर लाऊंगी, इसे थोड़ा राउंडेड करूँगी कुछ इस तरीके से, सही है। अब उसके बाद इस इमेज को मैं यहाँ पर लाऊंगी, देन इस इमेज के ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगी, देन पावर क्लिक इनसाइड इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगी और इस रेक्टेंगल के ऊपर एक बार मैं लेफ्ट क्लिक करूँगी, जिससे ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट हो जाएगा। इस इमेज की साइज मैं थोड़ा इंक्रीज करूँगी और इसे थोड़ा रोटेट करूँगी। उसके बाद इस इमेज को मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट करूँगी। आपको क्या करना है, इसे मैं साइड करती हूँ, इस इमेज को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ पेज अप प्रेस करना है, जैसे ये ऊपर आ जाएगा। अब मैं इसे यहाँ पर लेकर जाऊँगी तो ये कुछ इस तरीके से सेट होगा, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग क्रोम ब्राउज़र से इस टाइप की इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। फिर मैं राइट क्लिक करूँगी, इम्पोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगी, पिक्चर्स में जाऊँगी और यहाँ से मैं इस इमेज को इम्पोर्ट करूँगी, इसे यहाँ पर लाऊँगी कुछ इस तरीके से, यहाँ पर लाऊँगी, साइज थोड़ा और इंक्रीज करूँगी। इसकी साइज मैं थोड़ा और डिक्रीज कर देती हूँ, अब सही है। इसे फिनिश, इस फिनिश वाले ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूँगी और इसे यहाँ पर लाते हुए साइज़ थोड़ा और इंक्रीज करूँगी। एंड उसके बाद यहाँ से आपको इलिप्स टूल को सिलेक्ट कर लेना है, कीबोर्ड में कंट्रोल को होल्ड रखते हुए यहाँ पर एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है। इसमें मैं येल्लो फिल करती हूँ, इसकी आउटलाइन रिमूव करूँगी एंड उसके बाद इसे बीट मैप में कन्वर्ट करूँगी। उसके लिए आपको ये जो बीट मैप है इस मेनू के ऊपर आपको एक बार क्लिक करना होगा, देन कन्वर्ट टू बीट मैप, ओके। उसके बाद सिंपली आपको इस ओके वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, जिससे ये बीट मैप में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद मैं इसे थोड़ा ब्लर करूँगी, तो उसके लिए आपको इफेक्ट्स मेनू में जाना है, देन यहाँ पर आपको ब्लर का ऑप्शन दिखेगा। जब माउस की कर्सर को आप यहाँ पर लाओगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो सिंपली आपको गैशियन ब्लर इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, ओके। अब आप जितना भी ब्लर करना चाहते हैं आप कुछ इस तरीके से ब्लर कर सकते हैं, तो मैं इतना कर लेती हूँ, देन सिंपली ओके करूँगी। उसके बाद फिर से आपको इलिप्स टूल को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, इसमें वाइट फिल करूँगी, सेम उसी प्रोसेस को मैं अप्लाई करूँगी। इसे भी मैं बिट मैप में कन्वर्ट करूँगी, इसे भी ब्लर करूँगी, इफेक्ट्स मेनू में जाऊँगी, ब्लर, गैशियन ब्लर और कुछ इस तरीके से इसे भी मैं ब्लर कर लूँगी, देन ओके। अब उसके बाद इसे मैं यहाँ पर लाऊँगी, ये सही है, इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूँगी, इसे और इसे, शिफ्ट के साथ मैं इसे भी सिलेक्ट करूँगी, एक बार सी एंड एक बार ई प्रेस करूँगी। अब इन दोनों को सिलेक्ट करूँगी और कीबोर्ड में कंट्रोल जी प्रेस करते हुए ग्रुप कर लूँगी, कंट्रोल जी, जिससे ये क्या होंगे, ग्रुप हो जाएंगे। अब उसके बाद इसे मैं यहाँ पर लाते हुए कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ पेज डाउन प्रेस करूँगी, जिससे ये कुछ इस तरीके से अंदर चला जाएगा। साइज थोड़ा और इंक्रीज कर लेती हूँ इसकी, मैं थोड़ा और इंक्रीज करूँगी, शिफ्ट के साथ F4 प्रेस करूँगी। अब उसके बाद मैं टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करूँगी, इसका शॉर्टकट की F8 होता है, आप कीबोर्ड में डायरेक्टली F8 प्रेस करके भी टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं नेम टाइप कर लेती हूँ, देन फॉन्ट आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, मैं इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ। एंड उसके बाद इसे यहाँ पर लाऊँगी, कलर आप जो भी इसमें फिल करना चाहते हैं आप फिल कर सकते हैं, मैं रेड कलर के ऊपर थोड़ी देर क्लिक रखूँगी और यहाँ से मैं थोड़ा डार्क शेड सेलेक्ट कर लूँगी। आउटलाइन मैं यहाँ से वाइट कर लेती हूँ,
एंड उसके बाद क्या करूँगी, सिंपली यहाँ से ये जो शैडो टूल है इस टूल को सिलेक्ट करूँगी और इसमें शैडो क्रिएट करूँगी कुछ इस तरीके से। इस तरीके से आपको शैडो क्रिएट करना है। यहाँ से मैं 45 कर लेती हूँ, सही है। इसे प्रॉपर यहाँ पर सेट करूँगी। अब इतना करने के बाद इस इमेज में भी मैं शैडो क्रिएट करूँगी ताकि थोड़ा नेचुरल सा लुक आए। फिर से आपको शैडो टूल को सिलेक्ट कर लेना है और कुछ इस तरीके से शैडो क्रिएट करना है, ये सही है। एंड उसके बाद आपको फिर से इलिप्स टूल को सिलेक्ट करना है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है। इसमें ब्लैक मैं फिल करूँगी एंड उसके बाद इसे मैं ब्लर करूँगी। इफेक्ट्स मेनू में जाऊँगी, देन ब्लर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगी, गैशियन ब्लर, और इसे इतना ब्लर करूँगी, देन ओके। और इसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से लाते हुए सेट करूँगी और कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ पेज डाउन प्रेस करूँगी, कंट्रोल के साथ पेज डाउन, जिससे ये कुछ इस तरीके से अंदर चला जाएगा। 2-3 बार आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ पेज डाउन, जिससे यहाँ पर नेचुरल सा थोड़ा लुक आ जाएगा। एंड और भी आप कुछ इमेजेस को अपने बैनर में इंपोर्ट करना चाहते तो आप कर सकते हैं। मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेती हूँ और यहाँ से कुछ इमेजेस मैं सिलेक्ट करूँगी। यहाँ पर मैं सर्च करूँगी फर्स्ट बर्थडे PNG, ओके, फर्स्ट बर्थडे PNG। यहाँ पर कुछ PNG आ चुके हैं। एंड उसके बाद मैं यहाँ से इस इमेज को सेव करूँगी, राइट क्लिक करूँगी, सेव इमेज एज, इस ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूँगी, देन पिक्चर में सेव करूँगी और कोरियल ड्रॉ में मैं इसे इम्पोर्ट करूँगी। इम्पोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगी, देन यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट करूँगी, कुछ इस तरीके से इम्पोर्ट करूँगी। इसका भी बैकग्राउंड हमें रिमूव करना होगा। आपको remove.bg इस साइट को ओपन कर लेना है, remove.bg इस, एंड उसके बाद यहाँ से प्लस का आइकन है इसके ऊपर क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूँगी। थोड़ी देर आपको वेट करना है, सिंपली आपको इस डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ये डाउनलोड हो जाएगा। इसे मैं सेव करूँगी, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करूँगी, देन सेव एज, और इसे मैं पिक्चर्स में ही सेव कर लेती हूँ। अब मैं कोरियल ड्रॉ ओपन करूँगी, राइट क्लिक करूँगी, इम्पोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगी, यहाँ से मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूँगी और कुछ इस तरीके से ड्रैग करते हुए इसे यहाँ पर लाऊँगी। इसका तो बैकग्राउंड रिमूव नहीं है, इम्पोर्ट। अब मैं पिक्चर्स में जाऊँगी और यहाँ से मैं इस इमेज को कुछ इस तरीके से इनपुट करूँगी और इसे यहाँ पर सेट करूँगी। साइज थोड़ा और डिक्रीज कर देती हूँ और इसे कुछ इस तरीके से आपको सेट करना है। एंड उसके बाद आप और भी कुछ इमेजेस इसमें इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिर से मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेती हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करूँगी बर्थडे HPNG, ओके, बर्थडे HPNG, कुछ इस तरीके से आपको सर्च करना है, देन इमेजेस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से मैं इस इमेज को सेव करूँगी, सेव इमेज एज, और इसे पिक्चर्स में ही मैं सेव कर लेती हूँ। इसका अभी बैकग्राउंड मैं रिमूव करूँगी। यहाँ से मैं remove.bg फिर से इस साइट को ओपन कर लेती हूँ। देन इस प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करूँगी, थोड़ी देर वेट करना है आपको एंड उसके बाद इस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर भी आपको थोड़ी देर वेट करना होगा, देन आपको इस डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा जिससे ये डाउनलोड हो जाएगा। इसे भी मैं सेव कर लेती हूँ। यहाँ से मैं ये जो 3 डॉट है इसके ऊपर क्लिक करूँगी, सेव एज, और पिक्चर्स में मैं इसे सेव करूँगी, पिक्चर्स में सेव। देन मैं यहाँ से कोरियल ड्रॉ ओपन करूँगी, राइट क्लिक करूँगी, इम्पोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगी और इस इमेज को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी। और कुछ इस तरीके से ड्रैग करते हुए इनपुट करूँगी। इसकी जो साइज है उससे मैं थोड़ा और डिक्रीज कर देती हूँ, इसे यहाँ पर रखूँगी।
अब उसके बाद इसे मैं डिलीट कर देती हूँ। तो देखिए ये फाइनली हमारा बर्थडे बैनर डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। तो आप कोरियल ड्रॉ में कुछ इस तरह का बैनर डिज़ाइन कुछ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं।